कानपुर नगर के चमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मद अली पार्क के पास दो पक्षों में मारपीट के बाद चली गोलियां। कई राउंड फायरिंग होने से मोहम्मद अली पार्क की ग्रिल फांद कर बचाई लोगों ने जान। फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब के पास पहले बैच चली फिर हुआ पथराव। मौके पर ACP सीसामऊ थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायरिंग की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। मौके पर खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। सहायक पुलिस आयुक्त सीसामऊ सुश्री श्वेता कुमारी द्वारा दी गई यह बाइट। कानपुर संवाददाता शादाब रईस की लाइव रिपोर्ट। 13 मार्च 2024 को मोहम्मद अली पार्क थाना चमनगंज क्षेत्र में समय करीब 8:30 बजे फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया है। CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अधिवक्ताओं व समाज सेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु 9450121225 92 पर संपर्क करें व सदस्य बनकर हर पीड़ित की आवाज़ बने।